राफेल आने वाला है और उसी पर आज हमारी खास पेशकश आप दिन भर देखेंगे, क्योंकि लगभग भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे राफेल विमान भारत में लैंड करेंगे, भारत के अंबाला में लैंड करेंगे, वहां जो एयरबेस है वहां पर लैंड करेंगे और हर तरफ बस इसी बात की चर्चा, बस उसी राफेल का इंतजार चल रहा है। अगर सही समय पर सही फैसले और सही खरीद भारतीय सेना, भारतीय सेनाओं के इतिहास में रही होती तो आज के दिन को मुमकिन है ऐतिहासिक बोलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि एक अति आधुनिक विमान भारत के भी बेड़े में शामिल हो। 4.5 जनरेशन का यह विमान हमारे बेड़े में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। पहली खेप 5 राफेल विमानों की रहेगी जो भारत में पहुंचने वाले हैं। दरअसल एक लंबी लंबी यात्रा करके यहां तक पहुंच रहे हैं। पहले लगभग 7-7.5 घंटे में वो पहुंचे फ्रांस से लेकर अबू धाबी तक। वहां से उसके बाद जो उड़ान है अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, लगभग 3 घंटे की वो उड़ान होगी, जिसके बाद वो हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। 5 विमान जिनमें से एक ट्रेनर है। बीच रास्ते में किस तरीके से मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि इतनी लंबे दायरे के लिए जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो उसे रास्ते में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, तो राफेल ने उसका भी नमूना दिखाते हुए आगे की ओर वो कूच कर रहा है। बहुत आवश्यक है भारत में राफेल का होना इस समय पर जब एलएसी पर भी हम वैसा तनाव देख रहे हैं और एलओसी में भी तनाव देखने के लिए मिलते रहता है। हमारे साथ सीधे अंबाला से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, आम लोग भी उतना ही इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए श्वेता, हर कोई इस लम्हे का इंतजार कर रहा है। हालांकि जो है अंबाला प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है और जो एयरफोर्स स्टेशन की दीवार है उससे 3 किलोमीटर के पूरे इलाके में 144 लगाई हुई है। और अंबाला शहर में मैं मौजूद हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर पुलिस को तैनात की गई है, क्योंकि राफेल को आने को लेकर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी तरह की कोई आशंका बाकी ना रहे, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए हैं। 144 लगाई गई है, पूरे इलाके को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर अंबाला की बात करें तो यहाँ पर जोश और जश्न किस कदर है इसका एक नमूना मैं आपको बता दूं। इन राफेल को जो लेकर आ रहे हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, वो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह है और ये संयोग देखिए उनकी पत्नी यहाँ पर ग्रुप विंग कमांडर है अंबाला में ही तैनात, और वो भी उनका इंतजार कर रही है कि हरकीरत सिंह यहाँ पर आए। और उनको शौर्य चक्र मिला था इससे पहले जब जोधपुर में वो तैनात थे, उनको शौर्य चक्र मिला था। और अब 41 साल बाद का इतिहास भी यहां पर दोहराया जा रहा है। आपको याद होगा 27 जुलाई 1979 को पहली बार जगुआर जेट फाइटर ब्रिटेन से सीधे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आए थे, और एयरफोर्स का पहले कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से था कि 27 जुलाई को ही राफेल्स को यहां पर बुलाना था, लेकिन तकनीकी कमियों की वजह से, तकनीकी और मौसम के विभाग की वार्निंग के बाद इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बदला गया।